प्रदेश सरकार के तमाम दावों के बावजूद बेखौफ बदमाशों का घर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार रात वाराणसी के यूपी कॉलेज में एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि छात्र विवेक हॉस्टल से रात में बाहर निकला था, इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने विवेक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस घटना में विवेक को 8 गोलियां लगी। वहीं अस्पताल में डॉक्टरों ने विवेक को मृत घोषित कर दिया। अभी तक प्रारंभिक पूछताछ की गई है और जो परिवार जन है वो जैसे ही आते हैं वैसे ही उनसे पहले ही प्राप्त करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। अभी तक जो बातचीत की है उसमें कुछ लड़कों के साथ विवाद होने की बात जो है सामने आ रही है। पिछले 2 साल पहले से कुछ विवाद चल रहा था और 6 महीने पहले भी कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसमें उस समय मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई भी हुई थी। इधर हाल फिलहाल में कोई विवाद होने की बात संज्ञान में नहीं आई है। अभी तक जो जानकारी हुई है उसके अनुसार उसी रंजिश को लेके कुछ लोगों के द्वारा उसकी हत्या करने की बात प्रकाश में आ रही है। FIR दर्ज होने के बाद अन्य चीज़ें और जानकारी होगी और उसके आधार पर कार्रवाई। कितनी गोली लगी है उसमें अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है या पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद ही चीज़ें क्लियर होगी। पर मौके से 3 खोखे मिले हैं खाली।